मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बात यही बताना चाहता हूं कि जब इंसान मजाजी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो जाता है उसे कुछ भी नजर नहीं आता, तो फिर हकीकी मोहब्बत तो हमें मुस्तफ़ा से करना है। ये दुनियावी मोहब्बत है, ये मोहब्बत कल हशर के मैदान में काम आने वाली नहीं है। ये मोहब्बत का जवाब आपको कल हशर के मैदान में देना नहीं है। ये मोहब्बत को आप वसीला बनाकर, ये मोहब्बत के तुफैल आप हशर के मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर हुजूर से मोहब्बत कर लोगे तो ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और हशर के मैदान में भी काम आएगी, यहाँ भी काम देगी और वहाँ भी काम देगी। क्योंकि आका ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है हशर के मैदान में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। मुबारक हो उन्हें, मुबारक है वो लोग कि जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, मुबारक है वो लोग जो सरकार से मोहब्बत करते हैं, सरकार से इश्क करते हैं। हम फख्र से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें मुस्तफ़ा से मोहब्बत है और मुस्तफ़ा से मोहब्बत की बिना पर हम दुनिया में भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत के घिरे हुए नज़र आते हैं और हश्र के मैदान में उस मोहब्बत का तकाजा हमें ये मिल रहा है कि आका के साथ हश्र के मैदान में हमें ठहरने का मौका मिल रहा है। आका ने फरमाया कि जिसने जिसके साथ मोहब्बत की हशर के मैदान में उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आपको फैसला करना है कि आपको किसके साथ मोहब्बत करनी है। क्या एक मजाजी मोहब्बत, एक दुनियावी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कुछ भी नजर ना आए, लेकिन अगर हकीकी मोहब्बत की तरफ चले, गौसे आजम से मोहब्बत करेंगे तो हशर के मैदान में गौसे आजम के साथ उठेंगे, सुभानअल्लाह। ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत करेंगे तो ख्वाजा अजमेर के साथ हशर के मैदान में उठेंगे। ख्वाजा बंदा नवाज से अगर दुनिया में मोहब्बत करने वाले हैं तो फिर ख्वाजा बंदा नवाज के साथ आपका हशर होगा। और हम तो मुबारक ही मुबारक हैं, हम तो मुबारक ही मुबारक हैं। मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों से भी मोहब्बत करते हैं, हम तो साथ ही साथ हैं। हम तो फ़ख्र से कहते हैं मुस्तफ़ा के साथ भी होंगे, गौसे आजम के साथ भी होंगे, बंदा नवाज के साथ भी होंगे, गरीब नवाज के साथ भी होंगे। क्यों? हमारी मजाजी मोहब्बत एक तरफ है और हमारी हकीकी मोहब्बत मुस्तफ़ा जाले रहमत से है। और जब मोहब्बत होती है सरकार से तो मोहब्बत अंधा और बहरा बना देती है। मोहब्बत ऐसी करिए कि उस मोहब्बत में आप अंधे और बहरे हो जाएं। हुजूर के ख़िलाफ़ अगर अदना से भी अगर कोई बेअदबी नज़र आए तो उसको बर्दाश्त मत करिए। हुजूर की बारगाह में अगर कोई अदना सी भी गलती पेश आए तो उसे बर्दाश्त मत करिए, इसलिए कि वो बारगाह ऐसी बारगाह है कि वहाँ पर सांस भी अदब से लेने का मुकाम है, सांस भी अदब से लेना है वहाँ पर। बातें तो बहुत दूर की बात नहीं। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुँच सकें।